हमारे किसी एक सब्सक्राइबर प्रश्न है कि मेरी एक साइट है या ब्लॉग है, वहाँ पर इश्यू आ रहा है स्मॉल फॉन्ट का। जैसे कि मैंने साइट को कस्टमाइज किया था तो मेरे से गलती से कुछ ऐसा फंक्शन यूज हो गया है जिसकी वजह से मेरी साइट की जो पोस्ट आर्टिकल का जो कंटेंट है, जो मैंने टाइप किया है, वो छोटा हो गया है। तो ये प्रॉब्लम सभी आर्टिकल में हो चुकी है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हो गया है। तो मैं कैसे इस एरर को फिक्स कर सकता हूँ? तो जब भी विजिटर आएगा तो इतने छोटे छोटे दिखेंगे फॉन्ट, तो वो पढ़ नहीं पाएगा और इसकी वजह से रैंकिंग में भी इफेक्ट पड़ेगा साइट की और पोस्ट सर्च इंजन पर रैंक नहीं कर पाएगी। और कुछ एरर भी आएगी गूगल सर्च कंसोल में, जैसे कि स्मॉल टू रीड का, है ना। तो ये फॉन्ट कैसे हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं? जेनरेटिव थीम के अंदर फॉन्ट के साइज बढ़ाने का फंक्शन फीचर कहाँ मिलता है? तो आज के इस वीडियो में हम इस एरर को फिक्स करना बताएंगे कैसे आप जेनरेटिव थीम के अंदर अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले आप वर्डफेस के डैशबोर्ड में लॉग इन हो जाए, एन या पेरे सेटिंग मिलेगी, एन या थीम ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज बटन मिलेगा जेनरेटिव थीम पर। तो दोस्तों कस्टमाइज बटन तभी आएगा जब आप कोई भी थीम को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो जेनरेटिव थीम हमारे साइट के अंदर इंस्टॉल एंड एक्टिवेट है, तो कस्टमाइज बटन पर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है। हम रीड मोड पर भी क्लिक करेंगे तभी ये एरर है ना, बहुत छोटा फॉन्ट है ना, तो इसकी वजह से एरर भी आती है स्मॉल टू रीड की। जैसे कि आपने गूगल सर्च कंसोल में देखा होगा बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम हुई है। तो ये फॉन्ट इशू की वजह से होता है। जैसे कि मोबाइल डिवाइस पे देखेंगे तो फॉन्ट तो दिखेगा ही नहीं, तो क्या पढ़ेगा कोई व्यक्ति, है ना, पढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। तो आपको ये बड़ा करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर टाइपोग्राफी ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में जेनरेटिव थीम के अंदर। तो टाइपोग्राफी ओशियन बीपी अस्ट्रा कोई भी थीम यूज़ करेंगे वहाँ होता है जनरली, है ना, 80% सभी थीम में उसका फ्री में आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइपोग्राफी जेनरेटिव थीम के अंदर भी दिया गया, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर है एड टाइपोग्राफी, आप इस पर क्लिक करेंगे। एड टाइपोग्राफी क्लिक करने के बाद टारगेट एलिमेंट लेंगे आप बॉडी। एड टाइपोग्राफी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपने बॉडी यूज़ किया है दोस्तों, ये पार्ट में से बॉडी पर आता है, है ना। तो साइट का जो भी कंटेंट होता है, जो भी पोस्ट आप लिखते हैं, ये बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी हमने यूज की है, तो बॉडी का यहाँ पर 10 pixels है फॉन्ट, जो काफ़ी छोटा है ना। तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं या इसी को एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं इसको अभी के लिए, है ना। तो देखिए ये फॉन्ट बढ़ गया है। अब आप यहाँ पर तय कर सकते हैं कितना आपको फॉन्ट रखना है, तो ऐड टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे। ये डिफॉल्टेड हो चुका है थीम के अंदर जो दिया गया है जेनरेटिव थीम ने, जो भी साइज जेनरेटिव थीम के अंदर डिफॉल्ट होता है वो साइज यहाँ पर दे दिया गया है ना। तो आपको खुद तय करना है कितना फॉन्ट होना चाहिए मेरे बॉडी का, जो भी आर्टिकल या पोस्ट का। तो टारगेट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, बॉडी पर आप जाएंगे एंड यहाँ पर फॉन्ट है 17, आप कितना रखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ 20 हो जाए, जो एरर आए वो कभी मुझे देखने को नहीं मिल जाए मिले, ठीक है। तो देखिए 20 मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर लाइन हाइट है, लाइन हाइट भी आप कर सकते हैं सेट, कितनी आपको लाइन हाइट रखनी है। देखिए यहाँ पर ना लाइन हाइट इसके बीच में ये लाइन हाइट ही बोला जाएगा। पैर आपको बॉटम कितना रखना है वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं, है ना। ये देखिए पैर आप में जो बॉटम है वो कितना आपको होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग वगैरह यहाँ से आप तय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ आप डिफॉल्ट रहने दीजिए, इनमें आप डिस्टर्ब मत कीजिए, है ना, बेकार हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए, है ना, ठीक है। अगर फॉन्ट फैमिली आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं यहाँ से। दोस्तों हिंदी का आपका है तो फॉन्ट फैमिली का इतना इफेक्ट नहीं होगा, इंग्लिश कंटेंट में चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का वेट कितना होना चाहिए, तो आप कितना भी रख सकते हैं, आप बोल्ड रखना है तो बोल्ड हो जाएगा, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर 300 400 जो भी आपको साइज चाहिए वो ले सकते हैं, आप डिफॉल्ट रहने दीजिए। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो अपर की लोअर की कैपिटल जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं, ये इंग्लिश कंटेंट पर काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर पावर पॉइंट लिखा है, ये मैं चाहता हूँ स्मॉल में रहे, ठीक है, लोअर केज में, जहाँ जहाँ इंग्लिश वर्ड यूज हुए हैं वहाँ स्मॉल हो जाए। तो लोअर केज आप सेट करेंगे तो यहाँ पर जो भी वर्ड आपके लिखे हैं इंग्लिश में वो लोअर केज में आ जाएंगे, यानी कि स्मॉल में, है ना। तो मैं चाहता हूँ इसको भी आप डिफॉल्ट रहने दीजिए, है ना, एंड आप फिर पब्लिश कर दीजिए और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये देखिए, है ना। तो कुछ लोग गलती कर देते हैं थीम को कस्टमाइज करते समय और ये एरर देखने को मिल जाती है, है ना, ये देखिए, है ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसी तरह की और जेनरेटिव थीम से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।